अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो दोस्तों, Redmi Note 9 5G सीरीज चाइना के अंदर हमें कुछ दिनों पहले रिलीज़ होती हुई नज़र आई, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यार ये सीरीज़ हमें कब देखने को मिलेगी, किस नाम से आएगी, 5G वेरियंट होगा नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो हमें देखने को मिल रही है इस सीरीज़ से रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे Redmi Note 9 Pro के बारे में। अब Redmi Note 9 Pro जो है वो किस नाम से आता है पाकिस्तान में, यहाँ पर दो तीन नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। Redmi Note 9 Pro 5G भी है, Redmi Note 10 Pro 5G हो सकता है, या फिर हमें Xiaomi Mi 10T Lite भी इस जो है वो स्मार्टफोन का नाम देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Note 9 Pro 5G के बारे में, तो यार काफ़ी एक्साइटिंग किस्म का स्मार्टफोन निकल के आता है। खास तौर पे इसके कैमरा सेटअप की वजह से ये स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में, और बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में भी इसका बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि मिड रेंज सेगमेंट में ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा धूम मचाने वाला है। बात की जाए यार Redmi Note 9 Pro के बारे में, तो यार इस वीडियो के अंदर मैं इसको Redmi Note 9 Pro 5G कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में अभी तक इसका कोई नाम नहीं है और अभी तक कन्फर्म भी नहीं है, तो इसको Redmi Note 9 Pro ही होगा। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर ली जाए, तो यार काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इस दफ़ा जो है वो टोटली डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा इस सीरीज़ के अंदर हमें। यहाँ पर जो है वो हमें सर्कुलर शेप के अंदर इसका क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। बैक से ऊपर हमें जो है वो डुअल टोन के साथ इसकी जो है वो कलर्स देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन के, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक प्रोवाइड करता है। फ्रंट बैक के ऊपर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, यानी बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के अंदर। फ्रंट के ऊपर पंच होल हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि सेंटर के ऊपर लोकेट किया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है वो पंच होल भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी छोटा साइज़ है उसका। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, यहाँ पर हमें USB टाइप सी की स्पोर्ट देखने को मिलेगी। डुअल स्पीकर यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा हमें हाइब्रिड जो है वो इसके अंदर सिम स्लॉट देखने को मिलेगी, यानी दो सिम और एक मेमोरी कार्ड जो है आप एक साथ ही यूज़ कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है ये स्मार्टफोन ओवरऑल निकल के आता है। वाटर कोटिंग भी देखने को मिलेगी, यानी हल्के फुल्के जो स्प्लैश वगैरह है वो भी ये स्मार्टफोन जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की निकल के आती है इस स्मार्टफोन की। अगर थिकनेस की बात की जाए, तो यार 9mm के आसपास इसकी थिकनेस निकल के आती है, और वेट जो है वो 215 ग्राम के आसपास है। अब यहाँ पर जो है वो Redmi अपनी रिवायत बिल्कुल बरकरार रखे हुए है। यहाँ पर हमें कोई भी जो है वो स्लीक डिज़ाइन देखने को नहीं मिल रहा। डिज़ाइन अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है। 8mm के आसपास हो और 180 ग्राम के अगर आसपास स्मार्टफोन का वेट निकल के आए, तो एक आइडियल चीज़ निकल के आ जाती है। लेकिन Xiaomi जो है वो अपनी फुली रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। जो मर्जी हो, यहाँ पर एंट्री लेवल हो या पर फ्लैगशिप लेवल हो, यहाँ पर हमें 9mm के आसपास और 200 ग्राम से ऊपर ही उनका वेट देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं यार स्मार्टफोन के, तो यार डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन का। अगर देखा जाए तो 120 हर्ट्ज़ का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ हमें जो है वो इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। IPS पैनल है, यहाँ पर हमें AMOLED अभी तक जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा मिड रेंज सेगमेंट के अंदर Redmi की तरफ से, लेकिन जो LCD पैनल है उसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल के आती है। और 450 निट्स के आसपास इसकी ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा एक डिस्प्ले निकल के आएगा, खासतौर पर गेमर्स के लिए ये जो है वो डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। और स्क्रीन टू बॉडी भी इस रेशो जो है वो स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो लुक वाइज भी फ्लैट डिस्प्ले है, काफ़ी सॉलिड लुक प्रोवाइड जो है ये करने वाला है। इसके अलावा यार स्मार्टफोन की बैटरी की बात की जाए, 4800 के आसपास इसकी बैटरी निकल के आएगी, और 33 वॉट का इसके अंदर हमें फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है यार। 5000 mAh होती तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता, लेकिन 4800 mAh भी जो है वो एक आइडियल ही साइज़ निकल के आता, और काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा। अगर इसके कैमराज की बात की जाए, तो यार क्वाड कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। यार मिड रेंज सेगमेंट के अंदर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देना एक इनसेन चीज़ निकल के आती है, क्योंकि हमें बड़े बड़े फ्लैगशिप्स के अंदर भी जो है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं देख रहा। लेकिन 108 मेगापिक्सल का जो इसका कैमरा है, नंबर तो बहुत बड़ा निकल के आता है, लेकिन परफॉर्मेंस में क्या ये जो है वो हमें फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो इसका जो परफॉर्मेंस है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मिड रेंज सेगमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन कैमरा निकल के आएगा, बेहतरीन लो लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, बेहतरीन डिटेलिंग देखने को मिलेगी आपको पिक्चर्स के अंदर, शेडोज़ आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर जो है वो HDR मोड इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। तो मेरे ख्याल से कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। मिड रेंज सेगमेंट का यहाँ पर हमें जो है वो प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट का जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा इसे कैमरा हमें रिजल्ट प्रोवाइड करके देने वाला है। लो लाइट के अंदर भी ये जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके दे देगा। फ्रंट के ऊपर बात की जाए तो यार 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, वो वैसा ही है जैसे हमें जो है वो पिछले मॉडल्स के अंदर देखने को मिला था। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा, तो अच्छी खासी सेल्फीज़ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है 8 मेगापिक्सल का, और 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप पूरा करने के लिए जो है वो कैमराज को इंक्लूड किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ निकल के आ जाती है। इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो यार ये स्मार्टफोन जो है वो 5G के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पर हमें 5G चिपसेट प्रोवाइड किया है, स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा चिपसेट है, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। 720G से तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें यह चिपसेट जो है वो प्रोवाइड करके दे देगा। 730 से भी 30 के आसपास जो है वो इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 730 32 के आसपास की हमें जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्लाइडली बेटर साइड पर ही होगा ये परफॉर्मेंस के मामले में। गीकबेंच के ऊपर भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स निकल के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मिड रेंज सेगमेंट के अंदर बेहतरीन जो है वो आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देने वाला है। 128GB की यहाँ पर हमें रोम देखने को मिलेगी, जो कि UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ आएगी, और यहाँ पर हमें 6GB और 8GB की रैम देखने को मिलेगी, जो कि LPDDR4X की रैम हो सकती है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस और कैमरा के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो पैकेज प्रोवाइड करके दे देगा। और अब बात कर लेते हैं यार स्मार्टफोन की पाकिस्तान में रिलीज डेट के हवाले से। तो यार रेडमी की तरफ से तो बिल्कुल भी अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से 50-50 चांसेस हैं स्मार्टफोन के पाकिस्तान में आने के, क्योंकि शाओमी मी 10T लाइट जो है वो भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हमें देखने को मिल रहा है। शायद वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाए, या फिर हमें जो है वो रेडमी नोट 10 प्रो की शक्ल में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाए। एक ही ऑप्शन है, या तो शाओमी मी 10T लाइट आएगा या फिर जो है वो रेडमी नोट 10 प्रो की शक्ल में यही स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। तो नाम के ऊपर भी अभी तक कन्फ्यूजन है कि कौन से नाम के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता है। आप लोग क्या कहते हो यार रेडमी नोट 9 प्रो 5G के बारे में, मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और क्या स्मार्टफोन का आप लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और स्मार्टफोन की अगर प्राइस के हवाले से बात की जाए तो यार चाइनीज़ मार्केट में जो इसकी प्राइस निकल के आई है उसको अगर पाकिस्तानी मार्केट में कन्वर्ट किया जाए तो 38,000 के आसपास निकल के आती है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में आता है तो ये 45,000 के आसपास ही लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही कमाल की प्राइस निकल के आती है अगर स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की तरफ नज़र डाली जाए। और इसके एक्चुअल अगर परफॉर्मेंस और इसके कैमरा रिजल्ट्स को देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन जो है वो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा मिड रेंज सेगमेंट के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में यार ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या कहते हो रेडमी नोट 9 प्रो 5G के बारे में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।